क्या हो गया? मना कर रहे पैसे लेने के लिए यार। अंकल ऐसे मत करो, पैसे मत लेने। अंकल का नेचर इतना स्वीट नेचर था ना उनका, मतलब बहुत अच्छा नेचर था उनका, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम खान। मैं हूं अंसारी सुहेल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जायका मियां भाई पे। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह जो जिसकी नीड होती है चाय के साथ, जो चाय के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, गरम गरम उनके साथ गरम गरम चीज़ें खाने में अलग ही मज़ा आता है, वो अलग अलग वैरायटी की तो और ज़्यादा मज़ा आता है। और वो स्पेशल हो, मतलब अगर किसी अलग तरीके से बनी हो और स्पेशल तरीके से बनी हो ना, तो यार उसका तो मज़ा ही अलग आ जाता है। तो आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह चाय के साथ खाए जाते हैं पकौड़े। वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के पकौड़े हैं, बहुत सारे पकौड़े। और जो वो शॉप है वो अप्रोक्सीमेटली जो लोग वहाँ पे बताते हैं हमें कि कम से कम 50 साल पुरानी शॉप है। पकौड़े 50 साल पुराने नहीं, 50 साल पुरानी शॉप है। पकौड़े ताज़े ही मिलते हैं, सिर्फ शॉप पुरानी है। ठीक है, चलिए आज वहाँ चलते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर के खाते हैं, आपको रिव्यू देते हैं। आपको वहाँ जाके बताते हैं, रिव्यू देते हैं कि पकौड़े कैसे हैं, अंदर स्टफिंग क्या है और मतलब किस तरीके से बनाते हैं, मसाले चटनी वगैरह, मतलब हर चीज़ के बारे में एक प्रॉपर ब्लॉग और रिव्यू बना के आपको हम दिखाते हैं। पहली वीडियो में दोस्तों आपने हमें बहुत प्यार दिया, मतलब यार इतना तो हमने सोचा भी नहीं था इतना आप हमें प्यार दोगे, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो इसलिए हम दूसरा ब्लॉग लेके इतनी जल्दी आए हैं हमारा, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते नदी, तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। आओ चलो खाते हैं। पकौड़े आलू है, गोभी है, प्याज का है, पनीर का है, पालक का है, उड़द दाल बड़ा है, मूंग की दाल का लड्डू है, सोयाबीन चाप है, हरी मिर्चें हैं। अच्छा, और मतलब स्पेशल पकौड़े कौन से हैं? अच्छा, कितनी पुरानी दुकान है वैसे आपकी दुकान के बारे में? बहुत सुना है, 40-50 साल पुरानी। 40-50 साल? तो आपके फादर के साथ, मतलब फादर से पहले फिर आप? अरे कहीं। अच्छा, स्पेशलिटी क्या है आपके पकौड़े, मतलब सबसे स्पेशल कौन सा पकौड़ा? सारे स्पेशल ही बनते हैं। अच्छा, सारे स्पेशल ही अलग अलग होते हैं। नहीं, जैसे हम खाए तो क्या ले सबसे ज़्यादा? पनीर है, पनीर का है, भेड़ होता है, कमर ककड़ी, गोभी का, प्याज का, बैंगन का, ये सब अलग अलग बनता है। अपने चॉइस होती है ना, स्पेशल सब बनता है। अच्छा, और चटनी कौन कौन सी होती है साथ में? चटनी ग्रीन चटनी होती है, पुदीने का। खाने खाने बताओ खाना खाना चलो फिर जो आपको अच्छा लगे मैं वो खिला दो, जो हमें खाना चाहिए। आपने देखा हमने क्या किया, हमने ऑर्डर नहीं किया था, असल में हमने भैया से बोला जो आपके सबसे ज़्यादा फेमस पकौड़े हों, जो सबसे ज़्यादा अच्छी वैरायटी के हों, वो हमें देना। तो उन्होंने अपनी पसंद से हमें दिए हैं ये रहे। और यहाँ पर अभी सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह पहले जैसे टेबल वगैरह लगाए जाते हैं, यहाँ पर खड़े होकर खा सकते हैं, अभी नहीं है। तो अभी मैंने अपनी छोटी बेच को आके बताते हैं आपको कैसे है, मतलब क्या स्टफिंग है इसकी। मेनली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पनीर पकौड़ा है और इसमें
स्टफिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी स्टफिंग है, बहुत मोटी स्टफिंग है अपने बनी हुई है। तो पहले मैं उसको टेस्ट करके बताता हूँ उसका टेस्ट कैसा है। बेसिकली हमने ऐसा देखा कैसे कि पनीर पकौड़ा कहने के लिए होता है, उसमें पनीर के छोटे छोटे पीसेस डाल करके हम खत्म कर देते हैं खाने का, यानी पनीर पकौड़ा हो गया। लेकिन उसमें अगर आप देखो तो पनीर बहुत अच्छी स्टफिंग है यार, पनीर भी बहुत अच्छी। बेसन का टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। पनीर वाले तो बहुत बेस्ट लगे, और उन्होंने बताया भी था कि पनीर के ज़्यादा अच्छा, उनका प्याज वगैरह बहुत अच्छी थी। हम ट्राई करते हैं और भी थी भैया ने वो भी मस्त आया, पनीर प्रेफर करूँगा, लेकिन वो भी अच्छा ऐसी बात है, ऐसी बात भी अच्छा है, लेकिन पनीर की बात ही अलग है। लेकिन कुछ चटनी है, चटनी की तो बात ही अलग है, चटनी को चटनी का अंदर में डाल दे आलू, नहीं बूंदी है, बूंदी है, बूंदिया डाल रखी चटनी के अंदर, पुदीने की चटनी के अंदर बूंदी डाल रही है। अब क्या बताऊँ तुम्हें क्या हुआ अभी, रहेंगे कहाँ अभी हुआ ये, हमने बेसिकली हमने भैया से पकौड़े खाए हैं, भैया ने हमें पकौड़े भी खिला दी, सारी चीज़ हो गई है। हैं सुनील भाई, हमने दोबारा पकौड़े भी ले लिए हैं, दोबारा लिए हैं पकौड़े, हमने दोबारा पकौड़े लिए, हमें बहुत अच्छे लगे, और हमने इन्हें पैसे देने चाहिए, हमसे पैसे लेके जाएंगे, ये हमने सोच लिया पैसे दे करके जरूर जाएंगे। उन्होंने हमसे एक रुपया नहीं लिया, हमने इतनी कोशिश करी पैसे देने की, वापस हमारे पैसे दे दिए, ये पैसे उनको दे के ही जाएंगे, ये बात हमारी पक्की है। और पनीर वाले लिए हमने दोबारा पनीर की, यार के बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं यार, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। बेसिकली मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है पकौड़े महंगे हैं यार, चीप प्राइस है, बहुत सही प्राइस है, इतने प्राइस में यार इतना मोटा पनीर का लेयर मिल रहा है ना, तो भाई वर्थ है, बहुत वर्थ है भाई, मज़ा आ गया पनीर का। 10 out of 10 सीरियसली 10 out of 10 देंगे, सीरियसली कह रहा पैसे नहीं लिए भाई, 10 out of 10 है, चीज़ है खाने भाई, चीज़ है, इस वजह से दे रहे हैं पैसे। और नेचर की भाई, नेचर की बात करें उसकी वजह से भी, और भाई चीज़ है भाई, कुछ भी जाने का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, डबल बाग मेट्रो स्टेशन आओ और आर्य समाज रोड पे किसी से भी पूछ लेना, सबसे पुरानी पकौड़ की दुकान पे जाना है ना, कोई भी बता दे आपको आर्य समाज रोड पे आके कि भाई कहाँ पे दुकान, डबल बाग मेट्रो स्टेशन पर जाना, रिश्ते वाले को भी पता है यार ये दुकान के बारे में, रिश्ते वाले को बता फिर भाई। पकौड़े भाई खाए जा रहे हैं, भी आप देख रहे हो खाए जा रहे हैं, बस बात कर रहे हैं खाए जा रहे हैं। क्या हो गया, मना कर रहे हैं पैसे लेने के लिए यार, अंकल ऐसे मत करो पैसे उधर ले नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं, अरे ऐसा कुछ नहीं अंकल, आएंगे हम तो उसे एक्स्ट्रा देंगे, हमें अच्छे लगे, अरे कुछ नहीं अंकल ऐसा कुछ, अरे दे दो लिए इसके भी लोग, उनके कितने हुए हैं बताओ, खाने आपको फ्री दो तुम ये काट लिए सब यार, बताया चलो क्या बोलो प्लीज, इधर ये रख लो प्लीज, जिद कर रहे थे तो आपके बच्चे ये रख लो, बाकी आपने इतना अच्छा ट्रीट किया, लेने की तुम्हारे से कमाल कर रहे हैं, बाकी आप देखो जो चाय बनता हूँ, बाकी आपसे अच्छा लगा मिलके, पकोड़े बहुत बढ़िया थे, मज़ा आ गया खा के, ठीक है अब चलते हैं हम, थैंक यू आपके पकोड़े के लिए, बहुत बढ़िया लगे हमें पकोड़े। तो गाइस हम वहाँ से आ चुके हैं और पकोड़े बहुत ही टेस्टी थे, स्पेशली पनीर के पकोड़े भाई है नदीम, हाँ भाई मज़ा आ गया भाई साहब, पनीर के पकोड़े बहुत टेस्टी बहुत थे। सही थे, मतलब सारे सही थे बट बेस्ट जो मैं बता रहा हूँ जो हमारे हिसाब से बेस्ट है वो पनीर थे भाई, पनीर पकोड़े बेस्ट थे, उसके अलावा जो हमारे साथ चीज़ हुई है भाई, हाँ लाइफ में आज तक नहीं हुई चीज़। तो यार हम मतलब नदीम गया पैसे देने, हाँ मैं पैसे में ऐसा हुआ हमारा मन करा दोबारा खाने का, तो मैंने चल दोबारा ऑर्डर देता हूँ, तो अभी मैंने कौन सा खाएगा इसका मेरा मन नहीं, मैंने पनीर ले लेता, पनीर ज़्यादा अच्छा था, उसके जो स्टफिंग की हुई थी ना भाई लाजवाब थी, और पनीर की बीच में पनीर की लेयर मतलब दो लेयर थी वो, और बीच में मसाला भी डाल रखा उन्होंने अपने, हाँ जो उनका स्टफ होगा जो भी होगा उन्होंने डाल रखा था टेस्ट के लिए। तो मैं दोबारा ऑर्डर करने गया, मैंने उनका कहा, मैंने कहा भाई ये ऑर्डर दे दो और हमारे पैसे हमसे पैसे ले लो जो तुम्हारे पैसे हैं, जैसे मैंने पैसे निकाल के दिए उन्होंने पैसे ना पकड़े, कह रहे नहीं नहीं पैसे क्यों लेंगे आपसे, ये मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई,
फिर उन्होंने पहले आधे पैसे ले लिए थे? नहीं पैसे नहीं, पैसे लिए नहीं थे बिल्कुल, पहले लिए नहीं थे मैंने, जिन्होंने दिए पैसे तो उन्होंने ऐसे करा कि ऐसे करो चलो कोई बात नहीं, जो तुम अब ले रहे हो उसके पैसे ले लेता हूँ मैं, जो पहले तुमने खा लिया उसके पैसे नहीं लूँगा। तो फिर मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने उसमें 3 रुपीज़ कट कर लिए, ठीक है। हमने दोबारा लिया, हमने खा भी ली सारी चीज़, लेकिन अब देखो ऐसा दिल नहीं माना भाई, जो भाई मेरे यार अच्छा अजीब सा लगता है फिर खाने में यार, कहते हैं पैसे नहीं लिए यार। हाँ नहीं देखो कुछ भी हो यार, लेकिन वो भाई तो उनको भी लागत है, तो ये लागत है, प्लस ऐसा टाइम चल रहा है यार, ऐसा टाइम चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में ऐसी हमें सही भी नहीं लगी। हाँ है ना, हमें क्या भाई किसी चीज़ सही नहीं लगेगी भाई, जो चीज़ खाई है तो खाई है भाई, शॉप पे गए आपने चीज़ लिए खाई है पेट भरा अच्छी लगी दोबारा ले गई खा ली, लेकिन भाई जो उनका बनता है वो तो बनता है। हाँ फिर हम दोबारा गए, दोबारा हमसे बात करी, फिर वो मना कर रहे थे तब भी नहीं ले रहे थे, हमने फिर भी उन्होंने 100 रुपीज़ दिए, तो उनमें उसमें से भी उन्होंने हमें 50 रुपीज़ फिर वापस दे दिए। सब बहुत बढ़िया टेस्ट था, और अंकल का नेचर इतना स्वीट नेचर था ना उनका, मतलब बहुत अच्छा नेचर था उनका, बहुत अच्छा। अगर हम देखो खाने को अलग करें तो उसके अलावा अगर हम उनके स्वीटनेस को पॉइंट्स देते हैं भाई, तो उसके पॉइंट लेस हैं वो, जो उनका नेचर था भाई, रियलिटी बताया, बहुत अच्छा नेचर था यार, और पकौड़े तो बहुत ही बढ़िया थे, बहुत टेस्टी पकौड़े थे। तो बस हम इतना ही कहते हैं यार, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और करोल बाग ज़रूर आना यार, वो पकौड़े खाने बेस्ट है यार, बेस्ट पकौड़े। और मैं एक चीज़ लास्ट में ज़रूर कहूँगा, जो पिछली वीडियो में कहा कि हम कोई भी गलती कर रहे हैं हमें बताना कि तुम लोग ये गलती कर रहे हो, हम ऐसे ही अपने व्लॉग को सुधारेंगे, अच्छा करेंगे आगे से, और हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। पिछले व्लॉग में आपने कुछ चीज़ें बताई थी, हमने उन चीज़ों का ध्यान रखा है इस व्लॉग में, और हमें अब भी बताना कि हम क्या चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो जुड़े रहना हमसे। कि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जा करके हमें प्लेस बताएंगे, कोई अच्छा सा कोई भी प्लेस जो आपने नज़र में अच्छा हो, आपके आसपास या कहीं पर भी जो आपको पता हो, ठीक है, कि ये जगह अच्छी है जहाँ हम खा सकते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम किसी एक को पिक करेंगे, किसी एक पर्सन कमेंट को पिक करेंगे, और उस प्लेस पर हम जाएंगे, और उस प्लेस पर वो बंदा हमारा गेस्ट होगा, है ना, वो बंदा हमारा गेस्ट होगा जिस जो हमें बताएगा, जिसके हमें चूज़ करेंगे, जो पिक करेंगे हमें ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किए हमें, कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें ये बताइए कि कौन सी प्लेस अच्छा है, क्योंकि हम नए नए हैं भाई, हमें आप ही लोगों को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी बता सकते हैं, और अगर आप मेल भी कर सकते हैं हमें, हमने अपनी मेल आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लोगों को हमारा कॉन्टैक्ट करने का सारा जरिया हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ हम ब्लॉग करने गए थे वहाँ का गूगल मैप लोकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटा ज़रूर दबाना, मिलते हैं अगले व्लॉग में, ओके, अस्सलाम वालेकुम।